हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं पवनदीप राजन के बारे में। फ्रेंड्स, पवनदीप राजन जो है इन दिनों में बहुत ज्यादा चेंजेस उनमें नजर आए हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कई सारे अच्छे अच्छे पिक्चर्स आजकल वो इंस्टा पर स्टोरी पर या ऐसे अपडेट्स करने लग गए हैं, शेयर करने लग गए हैं, विच इज अ डेफिनेटली अ वेलकम चेंज फॉर एनी वन। क्योंकि आप में से कई सारे फैंस ने मुझे कई बार बताया है, इनफैक्ट हर बार कहते हैं पवन एंड अरुणिता शुड शेयर द पिक्चर्स, दे शुड कम ऑन लाइव, दे शुड अपडेट्स। अच्छा लगता है, हम जानना चाहते हैं वो क्या कर रहे हैं, कहाँ कुछ गाना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं भी कुछ एक अपडेट्स ऑलरेडी आपकी तरफ से जो इंक्वायरी आई थी उस पर काम कर रही हूँ। जब वो डिटेल्स मेरे पास आएंगी सामने तो वो डेफिनेटली मैं आपके सामने लेकर आ ही जाऊंगी। तब तक मैं भी इंतजार कर रही हूँ यार, मेरे को जब तक कंफर्मेशन नहीं है तब तक मैं कैसे बोल दूँ कि हाँ ये गाना वो गाना और ये नया आ रहा है वो नया आ रहा है। लेकिन हाँ, फिलहाल तो ये है कि पवनदीप राजन का जो लास्ट शो था दैट वॉज इन बेल्जियम, जहाँ पे जो विलियन चॉकलेट इवेंट्स की तरफ से लाइव भी गए थे, बहुत देर रात तक लाइव गए थे, जिसकी डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी थी। और सर्टनली जितने भी दर्शक रहे हैं मुझे लगता है उन्होंने पवनदीप को थॉरोली एंजॉय किया होगा, क्योंकि पवन है ही ऐसा, एक बार गाना शुरू तो करें उसके बाद तो आप गुम हो जाते हैं कि एक गाना गाया कि 40 गाने गाए, आप बस बहने लग जाते हैं उसकी आवाज में। पवन है ना, तो उड़ाकर भी ले जाएगा तो कोई भरोसे नहीं है। तो ऐसा है कि पवनदीप राजन जो है बेल्जियम के बाद अभी कहाँ है, तो डेफिनेटली ही इज इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के नजारों के मजे ले रहे हैं। जो पिक्चर्स आए हैं एटलीस्ट वो देखकर तो यही लग रहा है। चॉकलेट पाए और पवन की कुछ एक पिक्चर्स आए हैं, हालांकि मैं इसमें कोई डिटेल्स अभी तो नहीं दे सकती कि पवन और चॉकलेट ही है वहां पे या फिर पवन की टीम भी है वहां पे, है ना, मतलब पारस भी वहां है या साहिल भी वहां है या नहीं है, अरुणिता एंड रुजुता और जो दर्शिनी है क्या उन्होंने ज्वाइन किया है नहीं किया, मैं ऐसी कोई डिटेल्स नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल तो ये जो दोनों है मेरे हिसाब से बॉय टाइम, जो शायद इसी को कहते हैं मुझे नहीं मालूम, ये जो बॉयज टाइम नहीं होता है, आप अपने जितने भी दोस्त होते हैं उन सबके साथ बाहर निकल जाते हैं, जस्ट मस्ती करते हैं, तफरी करते हैं, पूरे स्टेट पूरे शहर पूरे देश को एक्सप्लोर करते हैं। तो मेरे हिसाब से स्विट्जरलैंड में हाल फिलहाल तो वो हो रहा है पवन एंड चॉकलेट का, दैट इज फॉर श्योर। अब वो वापस कब आ रहे हैं तो फ्रेंड्स मेरे पास कुछ एक इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि पवन एंड जो चॉकलेट पाए हैं मोस्टली दे विल बी बैक बाय द लेट नाइट, वो स्विट्जरलैंड की यात्रा करके नज़ारे देखकर हमारे भारत देश में लौट रहे हैं। लेट नाइट हो सकता है, सर्टनली ये भी हो सकता है कि कल सुबह की अर्ली मॉर्निंग तक वो बाहर निकले, क्योंकि लंबा सफ़र भी होता है और फिर एयरपोर्ट से बाहर निकलने में जितना भी टाइम लगता है उतना। तो आ रहे हैं भाई, मैं तो टेंशन में ही थी कि बेल्जियम वासी अपने पास पकड़ कर ना रख लें हमारे पवन को, हमारे कोहिनूर हीरे को, बट ऐसा नहीं हुआ, थैंक गॉड दे आर कमिंग बैक। और इसके अलावा कुछ एक अपडेट्स का मैं वेट कर रही हूँ, मुझे कन्फर्मेशन मिलता है मैं आप तक वो इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाऊंगी। जय हिंद।